बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच वीडियो आ रहा है। अब तो 3 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है, तो अब तो क्या करिएगा, तो करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है, पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी पढ़ाएंगे जब स्टार्ट होगा क्लास। तक अभी घर में रहिए, सेफ रहिए। अब देखिए पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, या बोलते हैं स्तन ग्रंथि का संरचना। स्तन ग्रंथि किसको बोलते हैं? स्तन ग्रंथि या बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। ये फीमेल में पाया जाता है। फीमेल में कहाँ लोकेशन कहाँ होता है? चेस्ट के पास, या बोलते हैं छाती के पास होता है। और देखिए इसमें से सवाल एक ही आता है, बहुत आने का इसे 1% चांस होता है यहाँ सवाल आने का। पहला पॉइंट लिखा हुआ है मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है, या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, न कि द्वितीयक लैंगिक अंग। देखिए द्वितीयक लैंगिक अंग नहीं होता था, द्वितीयक लैंगिक अंग जो है मात्र वहां पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फिलिप नलिका यूट्रस और गर्भाशय था, ये था फीमेल में, और मेल में था एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, पेनिस, यूरेथ्रा था, मूत्रमार्ग जिसको बोलते हैं, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब ये जो है ये क्या है? स्तन ग्रंथि, ये इसका फिगर है स्तन ग्रंथि का, या बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड का ये फिगर है। ये फिगर जो है ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, न कि अंग है। ये क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। मेमोरी ग्लैंड क्या है? फिर सुनिए, मेमोरी ग्लैंड क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, न कि अंग है। अंग था मात्र उधर था फीमेल में, 3 गो फिलिपियन नलिका, फिलिपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, यूट्रस गर्भाशय जिसको बोलते हैं, विजायना था, ये था थिंग उधर मेन में था, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस था। अब देखिए पहला पॉइंट है मेमोरी ग्लैंड क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, न कि द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग नहीं है, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग नहीं है, द्वितीयक लैंगिक अंग नहीं है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए सर दूसरा पॉइंट क्या है? मेमोरी ग्लैंड 2 अर्धगोले के आकार का होता है, या बोलते हैं 2 हेमिस्फीयर के आकार का। हेमिस्फीयर मतलब गोले के आधा भाग होता है, गोला का आधा भाग। देखिए ये फिगर जो है बताया हुआ है, जैसे हम मान लीजिए फीमेल है, तो फीमेल का ये यहाँ पर होता है मेमोरी ग्लैंड, ये जो है इसको 20 से फाड़े इस तरह से, 20 से फाड़ेंगे तो बताइए क्या रिप्स आएगा ना, पसलिया तो आएगा। ये जो है ये जो दिख रहा है आपको 20 से फाड़े हैं, फाड़ के इधर चिपका दिए समझ लीजिए, तो ये जो फाड़े हैं तो ये रिप्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है? रिप्स, पसलियां दिख रहा है, इसलिए लिख दिया है पसलियां। अब देखिए अब रिप्स के बीच मांसपेशी होगा ना, इसको बोलते हैं क्या? इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं? पसलियों के बीच का मांसपेशी, सीधा से बोल सकते हैं। अब देखिए अब जैसे अंदर प्रवेश करिएगा तो क्या होता है? सबसे पहले देखिए सुने होंगे एल्विलाई सुने होंगे, आपको पिका बोलते हैं, इसमें फेफड़ा में होता है जो क्या करता है, एक्सचेंज गैस को एक्सचेंज करता है, CO2 को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना। तो एल्विलाई किसके आकार का होता है? गुब्बारे नुमा संरचना देखे होंगे, तो गुब्बारे नुमा संरचना जैसे फुकना जिसको बोलते हैं, ये देखिए इस तरह गुब्बारे नुमा संरचना है ना, ये इसी को क्या, इसी का नाम क्या है? कोपी का नाम है, एल्विलाई होता है। यही मेन होता है इसमें कि एल्विलाई होता है, यहाँ पे क्या होता है एल्विलाई में, मेमोरी ग्लैंड में इसका काम क्या रहा, क्या भाई वहां तो फेफड़ा में क्या काम था एल्विलाई का? CO2 का एक्सचेंज करना, या CO2 निकालना और ऑक्सीजन क्या अंदर करना। यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे है दूध का उत्पादन करना, यहाँ पे क्या है? दूध का उत्पादन, इसलिए क्या बोलते हैं? साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, दूध के उत्पादन का स्थल बोल सकते हैं, दूध के उत्पादन का जगह बोल सकते हैं। यहीं से क्या होता है? मिल्क फॉर्मेशन होता है, मिल्क का उत्पादन होता है फीमेल के स्तन ग्रंथि में, ठीक। और ये जो है इसके ऊपर दिया गया है, क्या है ये? इसका नाम है मेमोरी लोब, या बोलते हैं स्तनपालिका। ये जो होता है इस टाइप का जो होता है मेमोरी लोब जो होता है, आपको लगभग एक स्तन ग्रंथि में या एक मेमोरी लोब में 15 से 20 मिल जाएगा। इस तरह से 2 गो होता है, 2 में कितना हो जाएगा बताइए? जब एक स्तन ग्रंथि में 15 से 20 है स्तनपालिका है, 2 में कितना हो जाएगा? 30 से 40 हो जाएगा। इसके नीचे क्या बताइए? गुब्बारे में संरचना क्या कहलाता है? एल्विलाई कहलाता है, या बोल सकते हैं इसका काम क्या? एल्विलाई का साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क उत्पादन करना
या बोल सकते हैं मिल्क उत्पादन करने की जगह बोल सकते हैं। यहीं से मिल्क क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जब मिल्क फॉर्मेशन होगा तो आगे की जगह क्या नाम है, ये जो नली है, नली इसका, ये नली आगे बढ़ जाता है, क्या बनाता है, मेमोरी एम्पुला बनाता है, या बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। इस तरह से लैक्टिफेरस मतलब मिल्क के रिलेशन से हो गया, या क्या बोलते हैं, ये आगे बढ़े क्या बनाता है, मेमोरी एम्पुला बनाता है। देखिए एम्पुला एक और बताए थे अभी, इस पे यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हैं लेकिन क्लास में बता चुके हैं। मेमोरी एम्पुला, एम्पुला क्या करता है, वहां पे फिलिपिन नली का आसपास होता है। यो एम्पुला जो है फर्टिलाइजेशन का स्थल होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, एम्पुला टेम्पोरी स्टोरेज करता है, किसको, मिल्क का जो है, मिल्क थोड़ा देर के लिए रखता है यहाँ पे। क्योंकि देखिए यहाँ जब मिल्क फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से नीचे आता है, फिर नीचे आएगा तो इस जगह का नाम क्या है, एम्पुला, या बोलते हैं तुमली का। यहाँ थोड़ा देर के लिए इमरजेंसी समझ सकते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग होता है किसका, दूध का या मिल्क का बोल सकते हैं। और ये जो है ये आगे क्या बनाता है, इसका आगे देखिए ये इधर नाम दे दिए हैं, जगह नहीं था, इधर क्या दे दिए हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल, या बोलते हैं स्तन नली का। अब देखिए जब मेमोरी लोब से, मेमोरी लोब के अंदर क्या है, एल्यूलाई, यहाँ पे क्या होता है, दूध का उत्पादन हो रहा है, दूध उत्पादन होगा तो निकलेगा कहीं, निकलने का रास्ता क्या है, मेमोरी एम्पुला से लेके कहाँ जाएगा अब, या इसका नाम क्या बोल सकते हैं, ये मेमोरी ट्यूब्यूल यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ ले लिए, यहाँ भी हो सकता है मेमोरी ट्यूब्यूल। अब मेमोरी ट्यूब्यूल क्या बनेगा आगे, आगे अब ये आगे कहाँ पे आएगा, निप्पल के पास आ गया है, बोलते हैं चुसनी बोल सकते हैं। यहीं से क्या होता है, दूध बाहर निकलता है, जो बच्चा क्या करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है दूध को, मिल्क को। अब देखिए ये जो है कोई शेप तो बनाता होगा ना, किसका, इस आकार का शेप को कोई बनाता होगा, इसमें शेप रहता होगा, कोशिका रहता होगा, इस कोशिका का नाम क्या है, या बोल सकते हैं वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, फैट रहता है, या बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू रहता है, या बोल सकते हैं क्या, फैटी टिश्यू बोल सकते हैं, और लिख लीजिए कहीं पे प्लस में क्या, फैटी टिश्यू, इसको वसा ऊतक बोलते हैं, जो वसा ऊतक जैसे बॉडी के पास होता है यहाँ पे, तो ये बहुत मुलायम होता है, यहाँ भी फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है ताकि मुलायम ज्यादा हो, ताकि क्या हो, मतलब मेल प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए अब यहाँ पे ये जो होता है मेमोरी ग्लैंड जो होता है, ज्यादा झुकना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या होता है, एक लिगामेंट है, क्या नाम है, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये जो है इस तरह का होता है, जैसे कान के पास होता है ना, कान का सेल जो होता है, कोशिका जो होता है, उसी टाइप में यहाँ भी होता है, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, या बोल सकते हैं संरचनात्मक, संरचनात्मक सहयोग, सहयोग करता है, संरचना प्रदान करता है क्या, सस्पेंसरी लिगामेंट, ताकि क्या हो, ये मेमोरी मेमोरी ग्लैंड जो है ज्यादा नीचे ना हो पाए। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखने हो, रखना हो तो रख सकते हैं, ये ज्ञान के लिए है, एक्स्ट्रा पढ़ने में। देखिए ट्वेल्थ का सिलेबस जो है, ये ट्वेल्थ का सिलेबस है, ट्वेल्थ में मात्र यहाँ से यही क्वेश्चन आता है, खास करके यही क्वेश्चन आता है कि भाई स्तन ग्रंथि जो है, स्तन ग्रंथि जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण है या द्वितीयक लैंगिक अंग है। तो क्या है स्तन ग्रंथि, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। कि भाई लक्षण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लक्षण इसलिए बोल रहे हैं कि ये लगता है कि हाँ फीमेल है या कि मेल है, कोई आदमी देख के कहे ना कि मेल है कि फीमेल है, इसलिए बोलते हैं लक्षण है। या एक और नाम है द्वितीयक लैंगिक लक्षण बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सहायक अंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हेल्प करता है इसको, सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, बस भाग तो नहीं लेता लेकिन हेल्प करता है, जन्म में हेल्प कर रहा है। अब देखिए ये तो समझ में आ जाना चाहिए, मेमोरी ग्लैंड जो है दो अर्धगोलिका आकार का होता है, मेमोरी ग्लैंड दो अर्धगोलिका आकार का होता है। देखिए दो अर्धगोला है, एक यहाँ पे होता है, एक लेफ्ट में, एक राइट में, अब एक ही बनाया है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, दुग्ध का निर्माण जो है कौन सा हार्मोन कराता है, पीआरएल, या बोलते इसका नाम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। यहाँ पे दुग्ध निर्माण जो हो रहा है लुलाई में, यहाँ पे कौन सा हार्मोन सहायता करता है निर्माण में, ये करता है प्रोलैक्टिन, पीआरएल, प्रोलैक्टिन, पीआरएल, प्रोलैक्टिन। तीसरा पॉइंट क्या है, एवं दूध का निष्कासन, देखिए यदि कहीं कुछ निर्माण हो रहा है तो निकलने के लिए जगह चाहिए और निकालने के लिए कोई कोई रास्ता चाहिए। तो ये जो है दूध का निर्माण, एक जब निर्माण कराता है और प्रोलैक्टिन तो निष्कासन या ट्रांसफर करेगा कोई और हार्मोन, इसका हार्मोन का नाम क्या, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सी
टॉक्सिन। यह हार्मोन क्या करता है, जब दूध निर्माण हो जाता है तो यह हार्मोन क्या करता है भाई, यहाँ पे चलो उत्पादन हो गया, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब कोई बस के थ्रू या कोई साइकिल के थ्रू या मोटरसाइकिल के थ्रू कहीं से कुछ ले जाएंगे तब तो जाएगा, तो वो क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है भाई, जब दूध निर्माण हो गया चलो अब तुमको जहां जाना है हम तुमको पहुंचाएंगे, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, यह निर्माण हो गया अब यहीं पे दूसरा हार्मोन क्या करना काम करने लगता है, ऑक्सीटोसिन। तो यह हार्मोन क्या करता है आगे बढ़ा के, आगे बढ़ा के करता है, ले जाता है और निपल के थ्रू बाहर निकलता है, तो बच्चा क्या करता है पीता है। तो देखिए ये तो समझा दिए, पसलिया होता है, पसलिया क्यों दिख रहा है क्योंकि इसको काटे हैं, फिर समझ लीजिए अब अंदर में क्या होगा, ये सब सेल है, ये सब क्या है सेल, उसका नाम क्या है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फेट, मतलब बहुत सारा फेट है, मतलब बदलते रहता है, और बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, या बोलते हैं हिंदी में क्या है संयोजी ऊतक, और क्या रहता है फैटी टिश्यू, इसको बोलते हैं वसा ऊतक। यहाँ पे जो होता है जो मेमोरी ग्लैंड को पकड़ के रखता है कि ज्यादा नीचे ना हो जाए, उसका नाम क्या है सस्पेंशन लिगामेंट, या बोलते हैं संरचनात्मक सहयोग करता है, संरचना प्रदान करता है कि भाई हाँ ये क्या कर रहा है मेमोरी ग्लैंड को संरचना प्रदान कर रहा है, कौन सस्पेंशन लिगामेंट। ये समझ में, दूध का निर्माण, दूध का निर्माण कौन करता है पीआरएल, निर्माण कहां पे होता है एल्वोलाय के पास, कुपिका के पास, यहां लिखा हुआ है साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, या बोल सकते हैं दूध के उत्पादन का स्थल, इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ कौन सा हार्मोन सहायता होता है उत्पादन जो होता है, ये होता है पीआरएल प्रोलैक्टिन, जब हार्मोन प्रोलैक्टिन क्या बनाता है दूध बनाता है, तो उसके बाद निकालेंगे कौन सा हार्मोन चाहिए ऑक्सीटोसिन, बस इतना ही है। और ये मेन पॉइंट याद रखिएगा, 12th में बीबीआई है, बीबीआई पोटेटो से पहले लिख दिए हैं, कौन यहां पे है यूनिवर्स। अब देखिए अब आगे वीडियो बनाएंगे, अब इसका होगा तो यूजेनेसिस, वैसे दे दिए यूजेनेसिस का, अब बताएंगे इस पे स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लिया, वैसे व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तब बी सेफ एट होम, घर पे रहिए सुरक्षित रहिए। इसको देखिए ये नंबर है ना, फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों याद रखिएगा कि मेमोरी ग्लैंड जो है स्तन ग्रंथि जो द्वितीय लिंग लक्षण होता है, अंग होता है, द्वितीय लिंग लक्षण होता है लेकिन अंग नहीं होता है, द्वितीय लिंग अंग नहीं होता, अंग तो दूसरा था बता दिया क्लास में भी, यहाँ भी वैसे सेकंड लेक्चर में यहाँ भी है, वीडियो नीचे में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन है ना उसके नीचे में डाल देंगे अभी, तो देख लीजिएगा, मतलब इसके बाद द्वितीय लिंग अंग किसको बोलते हैं, लक्षण किसको बोलते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब इसके नीचे ही डाल देंगे, जब ओपन कीजिएगा तो आ जाएगा सर। और तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रोटीन कौन सा हार्मोन उत्पादन करता है, प्रोलैक्टिन, और डिस्कशन कौन करता है ऑक्सीटोसिन, सिंपल सी बात है। देखिए अभी दो तीन बात बताया है कि भाई मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड क्या होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होता है, क्या होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, लेकिन क्या होता है बट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, बस इतना ही पता है, इतना ही अभी पढ़ा है। और बताइए अब मिल्क प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करता है, मिल्क प्रोडक्शन पी आर एल, और मिल्क का उत्पादन कौन सा करता है, सॉरी प्रोडक्शन उत्पादन वही हुआ, अब उत्पादन जब होगा तो कोई भेजने वाला चाहिए हार्मोन चाहिए ना यहाँ पे, तो कौन सा हार्मोन करता है ट्रांसफर करने के लिए मिल्क का, मिल्क ट्रांसफर कौन सा हार्मोन करता है ऑक्सीटोसिन करता है। बस अब एक बात और है कि मेमोरी ग्लैंड दो अर्धगोलाकार का आकार का होता है, तीसरा पॉइंट खत्म हो गया। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम एक और क्वेश्चन बोल सकते हैं यहाँ पे कि मेमोरी ग्लैंड को स्ट्रक्चर कौन प्रदान करता है, कौन स्ट्रक्चर प्रदान करता है, कौन सा सस्पेंसरी लिगामेंट,
सस्पेंसरी लिगामेंट। मेमोरी ग्लैंड को भी सुनिए, मेमोरी ग्लैंड को संरचना प्रदान कौन करता है, स्ट्रक्चर कौन प्रदान करता है, स्ट्रक्चर कौन देता है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ताकि ज्यादा झुके नहीं। अब देखिए एक और पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं दूध के निकलने का रास्ता हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था पहले, पहले क्या था, मिल्क के निकलने निकलने का, ठीक है समझिए, लिखना जरूरी नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए उसके बाद अपने आप लिख लीजिएगा। आपको निकलने का रास्ता बताइए, रास्ता पहला रास्ता कौन था, मेमोरी, मेमोरी लोब, दूसरा क्या था, मेमोरी लोब से कहां आता था, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई जिसको क्या बोलते हैं, देखो हिंदी सबका लिखते हैं कुपिका में, मेमोरी लोब का हिंदी क्या होगा, स्तन पालिका, इसका क्या होगा, एल्वियोलाई का कुपिका, कुपिका से कहां जाएगा, एम्पुला में, या बोल सकते हैं मेमोरी एम्पुला में, या बोल सकते हैं लैक्टिफेरस डक्ट में, एम्पुला में, एम्पुला से फिर कहां जाएगा, मेमोरी टिब्यूल में, मेमोरी मेमोरी टिब्यूल में, उसके बाद कहां जाएगा, मेमोरी टिब्यूल या लास्ट मेमोरी टिब्यूल में वाले, तो देखिए इस तरह का लगभग जो है ना 15 से 20 होता है एक में, तो दो में क्या होगा, 30 से 40 हो जाएगा। उसके बाद किसके थ्रू निकल जाता है बाहर, निप्पल के थ्रू बाहर निकल जाता है, बस निप्पल से बाहर निकला, बस दूध निकला, बस क्या करता है बच्चा जो है ना ग्रहण करने लगता है मिल्क को, यही है मिल्क निकलने का रास्ता। आराम से लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप फिगर में समझ सकते हैं आराम से, फिगर आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आप देखिए कैसे सर फिगर बनाया है, बार बार देखना पड़ता है, एक बार में जल्दी कुछ नहीं होता है सर, कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज करो एक वीडियो को, देखो अब तो वीडियो है तो आराम से सेव कर लो अपने मोबाइल पे, आराम से देखते रहो, नहीं जान जा नहीं समझा, बार बार देखेंगे उसको रिवाइज करके रिपीट करके। बस इतना ही आज पढ़ा है कि भाई मेमोरी ग्लैंड जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है, ना कि द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण ही बोल सकते हैं, या तो सहायक अंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि सहायक सिर्फ हेल्प कर रहा है, बस इतना ही है।